बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस 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 थैंक यू। तो देवियों संजो, देखिए इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज के वक्त में सब कुछ मापा जा सकता है। रफ्तार मापने के लिए स्पीडोमीटर है, बिजली का प्रवाह मापने के लिए एमीटर है, तापमान या टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर है। इंसान ने अपनी क्षमता का उपयोग करके हर चीज को मापने वाला एक उपकरण, एक डिवाइस बना लिया। लेकिन आज तक इंसान क्षमता को मापने वाला डिवाइस नहीं बना सका है, क्योंकि वही चीज मापी जा सकती है जिसकी शुरुआत शून्य से हो और कहीं ना कहीं जाकर के उसका अंत। क्षमता देवियों सज्जनों अनंत है। क्षमता का अंत नहीं होता, क्षमता का क्षितिज होता है, जिसे इंसान तो क्या भगवान भी माप नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे खिलाड़ी जिनकी क्षमता अनंत है, ज्वलंत है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए नागपुर महाराष्ट्र से एक आईटी सर्विस डेस्क एनालिस्ट है जिनका नाम है आयुष वैद्या। अरे ये मत करो, नॉट अलाउड। हमारे यहीं दिल्ली से एक ट्यूशन टीचर ऋतु निश्चल जी इनका नाम है। और मिलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए एक डिजिटल शॉपिंग ऐप की प्रोडक्ट मैनेजर सुरभि जीते से। सुरभि जी प्रणाम आपको। थैंक यू। अब स्वागत कीजिए मुंबई महाराष्ट्र से एक स्क्रिप्ट राइटर जिनका नाम है विक्रम खुराना। ऑल द बेस्ट यू, कम। अब चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की ओर, जहां से हमारा साथ देने आ रहे हैं एक प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर सूरज दास जी। प्रणाम करता हूँ सूरज जी। अरे ये मत कीजिए, मत कीजिए। बिहार की धरती से, बंगाल की मिट्टी से आज नया सूरज निकलेगा केबीसी से। वाह क्या बात है। अब हमारे उदयपुर राजस्थान से आए एक होम मेकर प्रीति महर्षि। अब आ रहे हैं वो जो अहमदनगर महाराष्ट्र के एक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को फूल बेचने का काम करते हैं। धर्मश्री शेरकर इनका नाम है। प्रणाम 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 भाई, ये मेरे लिए है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अब मिलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश के एक न्यूज एंकर दीपेश जैन जी से। प्रणाम प्रणाम सर, आइए फिर। वाह आइए, स्वागत आप। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए नासिक महाराष्ट्र से एक प्रोफेसर संतोष गिरी बावा। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आइए स्वागत आपका। अच्छा मैंने आज तक ना सर पर्दे के पीछे चिट्ठी बजाई, लेकिन आपके सामने बजाई नहीं, आप तक पहुंची नहीं सर, आज मैंने पहुंचा दिया सर। बिल्कुल पहुंच गए। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। देखो संजो, हमारे देखिए एक खिलाड़ी के पिताजी का दुर्भाग्यवश अचानक स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आज वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे। हम इन 9 खिलाड़ियों के साथ इस हफ्ते का खेल खेलेंगे और हम आशा करते हैं कि इस दुखद समय में उनके परिवार को साहस मिले और भगवान उनके पिताजी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ऑलराइट, तो अब हम बाकी जितने खिलाड़ी उनके साथ खेलेंगे। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः ब्रेक लगाने पर लाइट का रंग कैसा होता है? जनरली व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट दैट शाइन्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए नीला, बी लाल, सी हरा या डी पीला। ब्लू, रेड, ग्रीन और इज इट येलो? समय हो गया समाप्त, सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। बी रेड।
लाल रंग होता है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? विक्रम खुराना जी ने 0.90 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे विक्रम खुराना जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए, नंबर वन स्थान पर है। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संसद टीवी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ संसद टीवी लोकेटेड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए भोपाल, बी नागपुर, सी मुंबई, डी नई दिल्ली या न्यू दिल्ली। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? कंप्यूटर जी बता रहे हैं डी नई दिल्ली। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। ओहो, एक दो तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? विक्रम खुराना जी एक बार फिर 1.07 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे विक्रम खुराना जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव ऐसे समाजों में रहता है जहां वे श्रमिक और रानी में विभाजित हैं? विच ऑफ दीज क्रीचर्स लिव इन सोसाइटीज वेयर दे आर डिवाइडेड इनटू वर्कर्स एंड द क्वीन? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए जंगली घोड़े, बी चमगादड़, सी चींटियां, या डी चील। वाइल्ड हॉर्सेस, बैट्स, एंट्स, और इज इट ईगल्स? हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, एंट्स। चींटियां जो है उनमें शमक भी होते हैं और एक क्वीन होती है। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? सुरभि गीते जी का 1.63 सेकंड्स। ऑल राइट, तो आप देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। दीपेश जैन, वेल प्लेड सर। आइए भाई साहब, स्वागत आपका। दिवेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। मनोहर, आप भोपाल से हैं? जी सर। और हम वहाँ के जमाई राजा हैं। बिल्कुल सर। अगर सर आप कहें तो मैं अपना परिचय उसी अंदाज में दूं जो मेरी जॉब प्रोफाइल है। जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश जैन और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज केबीसी के मंच पर आ चुका हूं, और मेरे सामने हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी। मेरा परम सौभाग्य है कि 20 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा प्रयास था, वह असफल हुआ है। और दीवानगी इस कदर थी कि मैं अपने मोबाइल के रिंगटोन में केबीसी की सिग्नेचर ट्यून लगा के घूमता था। लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन मैं सब कुछ झेलता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं हॉट सीट पर जरूर पहुंचूंगा। और आज बहुत बहुत बधाई आपको दिपेश जी। लेकिन सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सहस्त्र रश्मि समकक्ष सूर्य समान तेज प्रतापी हैं सर, और मैं बहुत जुगनू, इतना सा जुगनू सर, इतना सा जुगनू हूँ सर मैं आपके सामने। और पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पुण्य थे सर जो आज मैं आज आपके सामने। मान्यवर, ये बहुत ज़रा आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। ओके दिवेश जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए आज अपने साथ? सर जिनके साथ 7 साल पहले मेरा गठबंधन हुआ था, जिनके साथ हमने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, आज वही हमारे साथ। आपकी पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रूबी जैन। रूबी जैन, ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट दिवेश जी, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, एक बार फिर आपका ध्यान जो है लाइफलाइंस के ऊपर आकर्षित मैं करवाना चाहूँगा। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही होनहार जनता, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट दिपेश जी, तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने, ₹1,000। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा शब्द किसी घटना के बारे में ताजा समाचारों को दर्शाता है जो अभी अभी हुई है या रिपोर्ट किए जाने के दौरान विकसित हो रही है?
Which of these terms refers to fresh news about an event that has just taken place or is developing while being reported? Option suniye. A. Crushing news. B. Smashing news. C. Breaking news. Or D. Cracking news. सर जिससे सुबह होती जिससे शाम होती है सी ब्रेकिंग न्यूज को सर प्लीज लॉक कीजिए सी पे थोड़ा लगा जाए बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने तो हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं ये घोषणा कर रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज दीपेश जी ने अभी अभी पहले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है और 1,000 रुपए जीत लिए हैं इस पर और जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे वो इस धन वृक्ष के पर चढ़ते जाएंगे ऊपर बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा इनमें से क्या क्रिकेट की एक सुरक्षात्मक वस्तु और लेखन से संबंधित कागज रखने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु दोनों का नाम है जी व्हिच ऑफ दीज इज कॉमन टू अ प्रोटेक्टिव आइटम इन क्रिकेट एंड एन आइटम इन स्टेशनरी यूज्ड टू सपोर्ट पेपर व्हाइल राइटिंग ऑप्शन सुनिए ए हेलमेट बी ग्लव सी एल्बो गार्ड या डी पैड सर प्लीज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं लगा दीजिए ताला बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पैड जो है वो लिखने का पैड होता है और क्रिकेट जो है पैड पहनते हैं चोट ना लगे क्रिकेट में बल्लेबाज जो हैं और विकेट कीपर ये पैरों पर पैड्स पहनते हैं और परीक्षा के समय अपने राइटिंग पैड का उपयोग किया जाता है ऑलराइट आजकल तो राइटिंग पैड का इतना ज्यादा उपयोग होता भी नहीं है है कि नहीं सर हम तो भी आजकल उसी पर कीबोर्ड पर ही सब कुछ चलता है लेकिन सर जब मैंने शुरुआत की थी तो जरूर मैं लिखता था और बिल्कुल ऐसी राइटिंग होती थी कि वो जो फटाफट लिखना है क्योंकि दिमाग में अगर कोई प्लॉट आया है निकल ना जाए लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक पूरी टीम रहती है जी जी जो कि आपको ऐसे कागज खिसका देगी आगे हाँ। ये पूछना वो पूछना या कान में बोल देगी आपके है कि सर, नहीं कान में जो बोलने वाली बात है तो सर अब क्या ही बताया जाए लेकिन मुझे लगता है कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है सर हम लोग समझते कि एंकर अरे साहब बड़े स्माइल कर रहे हैं या बड़े देखिए कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या बड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं पीछे से क्या हो रहा है क्या क्या सुनने को मिल रहा है डांट पड़ रही ये क्या पूछ लिया ऐसे पूछो इसको हम जी आप बताइए बिल्कुल सही कहा आपने ऑलराइट आगे बढ़ते हैं दिपेश जी अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने यह है तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए का ये एक इमेज प्रश्न है और वो प्रश्न आपके सामने पहले ये रहा जब किसी व्यंजन के नाम के पहले जैन लिखा होता है तो उसमें आमतौर पर इनमें से क्या नहीं होगा When a dish's name is prefixed with the word Jain, it will typically not contain which of these? ये तस्वीर देखिए जितने भी आपके ऑप्शंस हैं विकल्प हैं वो इमेज ऑप्शन ए इमेज ऑप्शन बी सी या डी में लिखें आपको बताना होगा सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लहसुन इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए सही जवाब दिया है आपने अहिंसा के सिद्धांतों के कारण जैन भोजन में कई प्रतिबंध हैं और जैसे कि भूमि के नीचे उगाई जाने वाली सब्जियों की वो अनुमति नहीं है लहसुन और प्याज को भी उनके आहार में शामिल करने की अनुमति नहीं है ओके दिपेश जी आगे चलते हैं चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए इसका मूल्य है और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा इनमें से किस फिल्म में राहुल देव बर्मन का संगीत नहीं है विच ऑफ दीज मूवीज डज नॉट हैव म्यूजिक कंपोज बाय आर डी बर्मन ऑप्शन सुनिए ए शोले बी दीवार सी दो बीघा जमीन या डी कटी पतंग सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी दो बीघा जमीन सी पे ताला लगाया जाए दो बीघा जमीन बिल्कुल सही जवाब दिया आपने दो बीघा जमीन का जो संगीत थे वो दिया हुआ था उन्होंने सलील चौधरी जी जी सलील चौधरी और बाकी सभी का संगीत जो है वो आरडी बर्मन ने दिया जिन्हें प्यार से हम पंचम बुलाते पंचम कई बार हम लोग जानना चाहते थे कि पंचम नाम पढ़ा कैसे हाँ सर तो एसडी बर्मन जो कि उनके पिताजी थे जब बचपन में आरडी बर्मन थे ना तो जब भी वो गाते थे तो उस सुर में हमेशा वो गाते थे पंचम सुर में गाते थे
ऊंची आवाज में गाते हैं, तब से उनका नाम पंचम रख दिया गया। ऑलराइट विवेक जी, पहला पड़ाव आ गया है खेल का, अभी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पांचवा प्रश्न आएगा, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कस्बे मऊ का नाम बदलकर किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है जिनका जन्म वहां हुआ था? मऊ, अ टाउन इन इंदौर मध्य प्रदेश, हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच सोशल रिफॉर्मर हु वाज बोर्न देयर? ए बाबू जगजीवन राम, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी मान्यवर कांचीराम, डी बाबा आमते। सर काशीराम जी यूपी से, जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम जी बिहार से, बाबा आमटे साहब महाराष्ट्र से, डॉक्टर बी आर अंबेडकर सर इनका जन्म इंदौर के पास महू में हुआ था, तो प्लीज लॉक्शन सर ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी पे थाला लगाया जाए, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पहला पड़ाव पार हो गया आपने। बधाई आपको। मऊ जिसका आधिकारिक नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कस्बा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। सर ये जो 10,000 रुपए हैं, ये ऐसे कैसे ले जाकर के हमारे 5.5 साल के हमारे जो सुपुत्र हैं पर्व जैन, उनके हवाले करने हैं, क्योंकि उन्होंने आने ही शर्त पे दिया है जी कि वो पापा जो भी अमाउंट है उसमें मुझे साइकिल दिलानी है आपको, नहीं तब तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं जाने नहीं दूंगा। ओहो, ऐसा था। तो क्योंकि उनको यहाँ ला नहीं पा रहे थे, तो आज उनकी डिमांड पूरी हो गई जी सर, मिल गई साइकिल उनको। ऑलराइट। मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरा बेटा जो है मेरे प्राण उसी में बसते हैं, उसको जरा सा कुछ होता है तो दर्द मुझे महसूस होता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ, उसकी कभी कभी गैर जरूरी इच्छाएं होती लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही लाड़ करते थे उस समय। मेरे हीरो पापा है। ला 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 ला। क्योंकि वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, सब चीज खिलाते हैं और सब चीज दिलाते हैं। जैसे ऑफिस से आता हूँ लग जाता है पीछे, पापा बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, जितना बनता है मैं उसके साथ बिल्कुल बच्चा बन करके खेलता हूँ। पापा ये क्या कहानी है, मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ ये क्या कहानी है। ये बेटा चिल्ड्रंस डे पे लिखी है पापा ने कहानी। मैं एक न्यूज एंकर हूँ, पत्रकारिता के एक क्षेत्र में मुझे 15 साल हो चुके हैं अलग अलग चैनल्स में काम करते हुए। दीपेश सर, 6 कॉलेज के संचालक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। इसको ब्रेक कर दो, ग्राफिक्स बना लो और मैं इस खबर को ले लेता हूँ। इरम इस पर जल्दी से रिपोर्टर को जोड़। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर एक मीडिया लाइन ऐसी है कि यहां पर जॉब का कभी ठिकाना नहीं रहता है। कोरोना काल में हुआ, जॉब चली गई, जो भी पैसा जुड़ा हुआ था वो सब खर्च हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अभी तो बेटा छोटा है लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। क्यों लगाया इसमें? जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, उनको भी पूरा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि केबीसीपी के मंच पर आने के बाद बेटे के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, उसके लिए अच्छा कुछ जोड़ सकूँ। बहुत स्नेह है दीपेश जी आपको और आपके पुत्र के साथ जी। और बहुत सारी शर्तें वो रखते हैं आपके साथ, वो अलग की बात है, लेकिन कोरोना काल में जी जी तो न्यूज़ वगैरह की बहुत ही चर्चा थी और बहुत ही सुरक्षित है कि ये नौकरी। इतनी ज़्यादा अनिश्चितता भरी है, कब चलता हुआ चैनल बंद हो जाए। 3 महीने हुए थे, कोरोना मार्च में स्टार्ट हुआ, 20 मई को मैं बुलेटिन की तैयारी करने जा रहा था और 7 बजे का मुझे बुलेटिन पढ़ना था, सर 6 बजे हाथ में लेटर दे दिया कि आपको कल से नहीं आना। ऐसा होता था क्या? तो क्या चैनल अपना ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है? कई बार ग्रोथ नहीं होती है तो आप या एक लेवल पे आप जाके ठहर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि आप क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जमा पूंजी कुछ बचती नहीं है, जितना आता है सब जी। जीवन शैली को पूरा करने में खर्च हो जाता है, बेटे की फीस है, कुछ ईएमआई जा रही है, लोन जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो
सपने देख रहे हैं, पूरे कब होंगे शायद अब होंगे, लेकिन ये था कि एक मन में रहता था कि बेटे के लिए कुछ मैं ऐसा करके जाऊं जो अनिश्चितता भरा जीवन है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह की घटनाएं हुई, तो एक मन में डर वो बैठ गया कि अब बेटे के लिए अपने कुछ करना है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि बस आज अगर केवीसी के मंच से। लेकिन अभी कैसे चल रहा है वो काम? सर जॉब जो थी तो कई बार मन में आता था कि 15 साल हो गए उस मुकाम पर आप नहीं पहुंच पा रहे, कुछ अच्छा गेन आप नहीं कर पा रहे, तो लगता था कि छोड़ दिया जाए, कुछ लाइन चेंज कर ली जाए। लेकिन जब मेरा बेटा, मैं जब कभी उसको टीवी में दिख जाता था तो बिल्कुल पास में आकर के पापा आ रहे हैं, तो उसकी खुशी की खातिर मैंने कहा नहीं, अब जॉब नहीं चेंज करूंगा, भले ही आधे रास्ते आ गया हूं, भले ही मझधार में रुका हुआ हूं, लेकिन आदरणीय बाबूजी की सर अमर कृति है मधुशाला, मैं चाहूंगा सर जो 4 पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति है मधुशाला की जो कि एक प्रेरणा स्रोत बनती है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा। मधुशाला वही जीवन का सार है सर, कोई एक राह पकड़ लीजिए मधुशाला मिल जाएगी। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने छठा प्रश्न आप में रखने जा रहा हूँ, इसके लिए मिलेंगे 20,000, और जैसा कि आप जानते हैं अब ये जो डीजे बाबू हैं आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न ₹20,000 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि ने भगवान राम को उनके आश्रम में आने पर एक दिव्य धनुष भेंट किया था? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, Which sage gifted Lord Ram a divine bow after the latter visited his ashram? Option सुनिए, A. Sage August, B. Sage Vyas, C. Sage Atri, या D. Sage Bhrigu. ऋषि अगस्त, ऋषि व्यास, ऋषि अत्रि या ऋषि भृगु? सर पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, और इसलिए सर एक लाइफलाइन में यहाँ लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। जी सर। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए, और आपका समय शुरू होता है अब। अगस्त, सेज अगस्त को, ऋषि अगस्त को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 49%। क्या करेंगे? बिल्कुल सर, जनता के साथ जाना, जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, क्या किया जाए? सर प्लीज ऑप्शन लॉक ए। ए जी सर, ऋषि ऑप्शन ए पे थाला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ऋषि अगस्त ने भगवान राम को एक धनुष भेंट किया था जब श्री राम वनवास में थे, और उन्होंने भगवान राम को कभी समाप्त न होने वाली तरकश भी भेंट की थी। तो तरकश में जितने भी तीर हैं वो कभी समाप्त नहीं हो, ऐसा उन्होंने उनको दिया था। ओके दिपेश जी, आगे चलते हैं, एक लाइफलाइन चली गई, चिंता की कोई बात नहीं। सातवां प्रश्न आ रहा है ₹40,000। सातवां प्रश्न ₹40,000 स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सितंबर 2022 तक के संदर्भ में डॉक्टर एम तंबीदुराई इनमें से किस पद पर आसीन अंतिम व्यक्ति थे? डॉक्टर एम तंबीदुराई वॉज द लास्ट पर्सन एज ऑफ सितंबर 2022 टू होल्ड विच ऑफ दीज पोस्ट्स? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बी चेयरमैन इसरो, सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डी डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा। उप प्रधानमंत्री, इसरो के अध्यक्ष, भारत के गवर्नर जनरल या लोकसभा के उपाध्यक्ष? सर ये दक्षिण भारत से आते हैं, चूंकि उप प्रधानमंत्री तो अभी कोई भी नहीं रहा है, इसरो के अध्यक्ष भी नहीं है, ये राजनेता हैं, भारत के गवर्नर जनरल भी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि राजनेता। सर लोकसभा के उपाध्यक्ष प्लीज लॉक, ऑप्शन डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। डी पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, जीत गए आप ₹40,000।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष सदन का संचालन करते हैं और ये पद 2019 से खाली है। जी सर, अभी वर्तमान में अभी तो कोई बनाया नहीं गया। जी, डॉक्टर एम तम्बीदुराई ने नई लोकसभा चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न पर। दिपेश जी, आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिपेश जी, ये भी एक इमेज प्रश्न है, तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इस चिड़िया को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस बर्ड, तस्वीर दिखाई जाए। ये यहां एक बड़ी तस्वीर है, देख लिया जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए हॉक यानी बाज, बी किंगफिशर, नीलकंठ, सी स्वान यानी हंस, या डी पेलिकन जलसिंह। सर, हंस और बाज नहीं है, नीलकंठ भी नहीं है, किंगफिशर, किंगफिशर। सर बी प्लीज, लॉक ऑप्शन बी, नीलकंठ। लॉक ऑप्शन बी, कहा है उन्होंने, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आठ प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 80,000 रुपए जीत गए आप। ये जो रंगीन पक्षी आपने अभी देखा, ये बहुत ही ड्रामेटिक शिकार तकनीकों का उपयोग करती है और इसकी प्रसिद्धि भी वहीं पर है। आमतौर पर ये पक्षी जो है स्थिर बैठकर पानी में हो रही कोई भी हलचल को वो देखता रहता है, और जब अपना शिकार देखने के बाद ये पानी में डुबकी मारता है और मारते हुए सतह के नीचे से मछली को अपने खंजर नुमा आकार के चोंच में पकड़ कर ये ले आता है, नीलकंठ। इसका जो कंठ जो है वो नीले रंग का है। ऑलराइट, आगे चलते हैं नौवें प्रश्न पर, 1,60,000 रुपए। दीपेश जी रेडी, नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ब्यूसेफाला शहर का नाम सिकंदर ने किसके सम्मान में रखा था? द सिटी ऑफ ब्यूसेफाला वॉज नेम्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इन हूज ऑनर? ए हिज फेवरेट जनरल, बी हिज लवर, सी हिज हॉर्स, या डी हिज शिप। उनके पसंदीदा सेनापति, उनकी प्रेमिका, उनके घोड़े, या उनके जहाज। सर इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, प्रेमिका तो नहीं होना चाहिए सर। सिकंदर सर, उनके सेनापति का नाम सेल्यूकस था। 20 सेकंड से कम हो गया, जल्दी बोलिए क्या करेंगे। दो लाइफलाइन, अगर लाइफलाइन सर, शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन और लेंगे। दो बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स। 50-50 करेंगे, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई। और दिपेश जी, दो जो गलत विकल्प है ये मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर हिज लवर यानी कि प्रेमिका और घोड़ा। सर ऑप्शन सर सी, घोड़े के नाम। चले घोड़े पे नाम पे ताला लगा जाए, बच गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही जवाब। मान्यवर पहुंच गए आप दूसरे पड़ाव के पास, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000। दीपेश जी, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ।2022 यूएस ओपन एकल खिताब जीतकर ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? Who won the 2022 US Open singles title to become the youngest number 1 ranked male tennis player in the Open era? Option suniye: A. Casper Ruud, B. Carlos Alcaraz, C. Daniel Medvedev, or D. Stefanos Tsitsipas. Sir, option B lag raha hai, Carlos Alcaraz. Okay. अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कार्लोस का नाम। सर बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ, ऑलराइट, कहना पड़ेगा, क्या करें, लॉक कर दें? ऑप्शन बी सर लॉक कीजिए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वाह, खेल का दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने।
3,20,000 रुपए जीत ले हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज 19 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में नंबर वन रैंक के खिलाड़ी बने। उन्होंने US ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को उन्होंने हराया था। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। और चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का, तालियां बज जाएं के लिए। Right. बहुत बहुत बधाई आपको दीपेश जी। मुझे लगता है कि पुत्र की बहुत सारे जो अरमान थे वो पूरे हो जाएंगे इस धनराशि से। इस धनराशि से बहुत सारी उम्मीदें पूरी करनी है, लेकिन आज पिता नहीं है मेरे जी, जी। हाल 2020 में उनका निधन हुआ था कार्डियक अरेस्ट से। तो लेकिन ये अगर आज होते तो बेहद खुश होते, और ये मैं जो पूरी धनराशि है सर मैं उनको समर्पित करता। लेकिन अभी हमारी श्रीमती जी जो हैं उन्होंने बहुत कठिन समय में हमारा साथ दिया। उनके ऑर्नामेंट्स जो थे सर वो हमें बेचने पड़े शादी के जस्ट एक साल बाद ही, कर्जा ज़्यादा था। तो ये सर पूरा उनके खाते में सर, क्योंकि हम मैं चाहता हूँ, क्योंकि वादा किया था मैंने कि ये जब भी कुछ होगा, हालांकि सर कहते हैं सोना बेचना आसान होता खरीदना बड़ा मुश्किल होता, तो हम बस उनको हमेशा आश्वासन देते रहे कि बस खरीद लेंगे कभी कुछ, लेकिन नहीं जुड़ पाता है सर। तो वो बस ये रहता है कि बस आया गया इसमें चल रही जिंदगी। तो ये सर अमाउंट बेटे के लिए और श्रीमती जी के लिए सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर 3,20,000 रुपए आ गए हैं। अब कुछ चीज़ें बता दें आपको। एक तो ये DJ बाबू शांत हो गए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा समय ही समय। यहाँ हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, तिलस्मित तिजोरी जिसका नाम है जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। एक और द्वार खुलता है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए पर। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है अभी भी, इसका उपयोग कीजिएगा कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो। अब आ गया है 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, 6,40,000 रुपए। रेडी, 11वां प्रश्न दीपेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो में काम करते समय इनमें से किस वैज्ञानिक का उपनाम बिजी बी था? Which of these scientists had the nickname Busy Bee while working at ISRO? ऑप्शन सुनिए, ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर होमी भाभा, सी डॉक्टर होमी सेतना, या डी डॉक्टर के राधा कृष्ण। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बिजी बी, बी से भाभा या डॉक्टर कलाम, सर डॉक्टर कलाम साहब बड़े आदर्श रहे हैं और उन्होंने जितना दिया देश को, तो मुझे लगता है वो बहुत व्यस्त रहते होंगे, शायद इसीलिए उनको बिजी भी कहा गया हो। ओके, तो मैं सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगा। ए के साथ जाएंगे, आपको कहना पड़ेगा ताला लगा जाए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए पे लॉक किया जाए। ये था नो रिस्क क्वेश्चन जैसा कि हमने आपसे कहा था, और ये प्रश्न था 6,40,000 रुपए का दीपेश जी, और जीत गए आप 6,40,000। वेल प्लेड सर, बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सर। APJ अब्दुल कलाम जो थे वो हर समय काम ही करते रहते थे, वो हाँ 24 घंटे काम ही करते रहते थे, और ये निकनेम जो था ये उनको दिया गया। बिजी बी खी के साथ होता है नाम, लेकिन बिजी भी आमतौर पर कहते हैं जब एक रहता है बिजी रहता है जो। तो 6,40,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब। सर यकीन नहीं हो रहा है सर अभी भी, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है सर मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं सपने में तो नहीं बैठा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं सर, अब आप बहुत चैन की नींद सोने वाले हैं। ऑलराइट, बहुत सारी बातें की हमने आपके साथ दीपेश जी, आपके काम के बारे में, और ये बहुत ही कठिन काम होता है हम जानते हैं। तो हमने जब भी जितना कुछ देखा है कभी डिबेट में, इतना लोग चीखते चिल्लाते हैं अपने बात को आगे बनाने के लिए, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? आप सर मैं
जब भी सीट पर बैठता हूँ तो व्यासपीठ मानकर मैं बैठता हूँ कि ये जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर यहाँ पर बात करनी है, तो कोशिश मेरी यही रहती है जब डिबेट की हम पहले तैयारी करते हैं, सब प्रोसेस जो रहती है, एक टॉपिक ढूंढना पहले कि आज शाम की या दिन भर की बड़ी खबर क्या है, जब गेस्ट इकट्ठा होते हैं तो वो बोलते हैं अरे इस पे हम क्या बोलेंगे बताओ तो सही थोड़ा, तो फिर उनको बताना भी पड़ता है कि भाई आप ऐसे ऐसे अपनी बात रखना, और वो चीखना चिल्लाना तो होता है, लेकिन सर एक मज़ेदार बात और हम बताना चाहेंगे कि जो होता है ना वहाँ पर ऐसा लगता है कि बस युद्ध और घमासान होने ही वाला है। जैसे ही शो खत्म हुआ सब हम लोग बैठ करके आराम से चाय बिस्किट खाते हैं, हंसी गप्पे होते हैं, और जो है सब जो दल वल है वो सब स्टूडियो में छोड़ करके आ जाते हैं, बाहर आकर सब मित्र हो जाते हैं। सर आप भी फिल्मों में जब हम देखते हैं कि विलेन के साथ डिशुम डिशुम करते हैं, जी जी, मारपीट हो रही है, और सर वो हमारे बड़े प्रिय मित्र होते हैं। हाँ सर, तो वही हमारे निजी जीवन में तो उनको मालूम है सर, वो माफी अभी मांग लेते हैं, भैया अच्छा। दो तीन हम मारने वाले हैं तुमको, हाँ। माफ कर देना, हाँ। उल्टा तुम दो तीन हमको जमा देना जब कट हो जाएगा शॉट। लेकिन मिलनसार एक वातावरण हमेशा रहता था। सर शोले की जो तस्वीर है बहुत आइकॉनिक है कि जय वीरू और गब्बर सिंह जी जो है तीनों गले में हाथ डाल के खड़े, तो कुछ सर अगर आप इंसिडेंट उस फिल्म से जुड़े या मतलब बड़ा वो। सर पहले तो क्या हुआ कि जब शूटिंग खत्म हो जाए तो सब, बल्कि धर्म जी और हम तो एक ही गाड़ी में आते थे। अच्छा। और तकरीबन 45-50 मिनट लगते थे होटल से इधर आने के लिए, साथ में बैठ के ताश वास खेलते जाते थे, रमी खेलते जाते थे। रमेश जी ने पूरा गांव जो है असली बनवाया हुआ था। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। उनको इतना पसंद आया वो रात को वहीं रह जाते थे। अच्छा। हाँ धर्म जी, यार अभी कौन जाएगा होटल, हाँ। यहीं पे पड़े रहते हैं, सुबह इधर ही मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाएंगे, तो कई बार वो यहीं सो जाते थे गाँव में। सर जितनी बार उस फिल्म को देखे अगर कोई सीन चल रहा तो बस वहीं थम जाते हम, हाँ भाई चलने दो, मतलब एक एक सीन सर इतने करीने से गूंथा गया था कि ऐसा लगता पता नहीं क्या अद्भुत कृति बनी हो सर आपका अभिनय तो उसमें। अब सबसे अच्छी बात तो ये थी सर कि पहली बार एक फॉरेन हमारे पास वो आए स्टंट डायरेक्टर, जी जी, लेकिन बहुत से वो ऐसे यंत्र लाए, अच्छा, जो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़रूरी था। पहली बार हमने वो चीज़ें लगाई अपने ऊपर जिससे अच्छा। हमको चोट ना लगे, हाँ। एल्बो में पैडिंग जी, पीछे पैडिंग, घुटनों में पैडिंग, ये जगह एकदम फट जाती थी सर आम शूटिंग में, जी जी। वो जब आए तो पता चला कि कैसे सेफ्टली काम करना चाहिए, हाँ। सबसे पहले सर बॉक्सेस जो गत्ते के डब्बे होते हैं ना खाली, जी, जी। वो और जमीन पे रख के, अच्छा, दो माले बनाया, उसके ऊपर तारपोलिन, उसको रस्सी से बांध देते हैं, हाँ। और फिर कहते हैं कूद जाओ इसके ऊपर, तो वो जब कूदते थे तो वो धंस जाते थे अंदर, तो चोट नहीं लगती थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें उपाय बनाए गए, लेकिन हाँ सर ये आजकल के ज़माने में इतने चोट लगती नहीं, जी सर, लेकिन सर, होना भी चाहिए सर, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्चुअली जो है ना, जब भी आपके कोई भी प्रोड्यूसर होगा अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअली वो आपको बता देते हैं कि लिख देते हैं कि ये डेंजरस स्टंट है, ये हम आपको करने नहीं देंगे। जी, जी। बहुत से ऐसे कलाकार हैं सर हमारे फिल्म उद्योग में जो स्वयं अपना स्टंट करते हैं, और कई बार उनको मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानते सर। एक उदाहरण दें आपको, अक्षय कुमार जी, हाँ हाँ हाँ, वो सर वाकई सर क्या बताएं आप, खिलाड़ी है सर वो तो, और सर एकदम बिल्कुल बिल्कुल, इस बिल्डिंग से उधर बिल्डिंग कूद जाएगा, कूद जाते हैं, स्वयं अपने ऊपर आग लगा लेगा, हम कहे ये क्या कर रहे हो, अरे बाप रे, अरे नहीं सर ठीक है हो जाएगा, और वो सब बहुत ही खूबी से करते हैं। उनके साथ सर आपकी फिल्म थी वक्त, जी जी, वक्त में ही किया था उन्होंने, अपने पे आग लगा ली थी, जी हो रहा है। अभी खेल की ओर ध्यान दीजिए, तो मान्यवर 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 6,40,000 रुपए जीत गए हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न दिपेश जी, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? विच लेक अलोंग विथ केवलादेव नेशनल पार्क वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू लोकेशंस इन इंडिया एडेड टू द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए द लेक, बी लोकतक लेक, सी चिलिका लेक, डी लोनार लेक। चिलिका,
लोकतक, झील, डल झील। डल झील कश्मीर में सर। लोनार झील सर। लोकटक झील मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ा इसके बारे में कि लोकटक झील को जो है वेटलैंड स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस स्तर पर आके हम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको कहते हैं कि आपके पास एक लाइफलाइन है, सही उत्तर आपको देंगे 12:50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3:20 पे, समय ही समय आपके पास। सर लाइफलाइन ले लेता हूँ। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। दीपेश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। रवीश श्रीवास्तव है, राजू सैनी है, प्रमोद यादव। हाँ सर, राजू सैनी जी को कॉल लगाएंगे। राजू सैनी जी को लगाएंगे। ओके, राजू सैनी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है, आपके मित्र हैं? ये वर्तमान में स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं और गरीब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी तैयारी कर। राजू सैनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है आप? आपसे बात करके आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमारे आदर्श के। अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू जी, मेरे सामने दीपेश जैन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी सर। दीपेश जी, आपका समय शुरू होता है। आप राजू भैया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी, यानी पहली जगह कौन सी थी? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील? वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड की सूची? चिल्का सर। चिल्का झील पक्का है, कन्फर्म है? चिल्का कन्फर्म है जी सर। ठीक है सर जी। सर सी, चिल्का झील को। चिल्का के साथ जाएंगे। सी, चिल्का लेक पे ताला लगाया जाए। कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? सर पूरा है सर, ये बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत पढ़ाई करते हैं। और किस पे मेहनत कर रहे हैं? ये मतलब GK इनका बहुत अच्छा है सर। ऐसा सर 12:50 जितवा दिया उन्होंने। क्या बात है राजू सैनी जी, वाह वाह वाह। चिल्का और केवलादेव नेशनल पार्क दोनों को 1981 में रामसर साइट्स घोषित किया गया था। जी सर। और रामसर साइट्स वहां के प्राकृतिक आवास के कंजर्वेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है। अभी भोपाल में भी सर जी हाँ, उनका नाम रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पहला कन्वेंशन आयोजित किया गया था और जिससे राष्ट्रीय महत्व वाले वेटलैंड्स को चिन्हित किया जा सके। जी आप कह रहे थे कुछ? भोपाल में भी सर एक स्पॉट को जी, है रामसर वेटलैंड में। भोपाल में तो बहुत सारे लेक्स हैं, बड़ा तालाब है सर। जी, सर आप बहुत दिन से नहीं आए, हम भोपाल वासी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ भोपाल में उसी के बगल में रहता हूँ तालाब के, और कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल सर, अद्भुत। अब तो सर और उसका रूप निखर के सामने आ गया सर, एक बार आप जरूर आइए। अवश्य आएंगे, ससुराल वाले बहुत हमको मारेंगे अगर हम कर रहे हैं। ओके मान्यवर, तीनों लाइफलाइन चली गए हैं, चिंता की विषय नहीं है ये। आ रहा है अगला प्रश्न, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा दीपेश जी। सिक्किम के किस विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाता बौद्ध मठवासी समुदाय के हैं? In which assembly constituency in Sikkim does the entire electorate consist of members of the Buddhist monastic community? A. Sangha. B.
धर्मा सी, कर्मा ई, सूत्र या सूत्र, संघ धर्म कर्म या सूत्र। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि आपको 100% लगे कि हाँ ये सही उत्तर है तो ही मैं राय दूंगा आपको खेलने की। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते। सर बौद्ध धर्म में संघम शरणम गच्छामी बोला जाता है तो कर्म और सूत्र तो नहीं लग रहा है। धम्मम शरणम धर्मा धर्म कर्म सीट विधानसभा सीट कर्म सूत्र विधानसभा सीट संघ में चूंकि जो बौद्ध मठवासी वो संघ में रहते हैं धर्म कर्म सूत्र संघ कभी ध्यान नहीं गया सर। वैसे तो ज्यादातर सीटों के या इधर स्टेट के सब चीज जानकारी रहती है लेकिन ये सिक्किम का कभी सर इस तरह का धर्म क्या करना चाहेंगे दीपेश जी? सर क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ओके। अंतिम निर्णय है आपका, आप क्विट करेंगे। आपको हम आज्ञा देते हैं, अनुमति आपको मिल गई है कि आप खेल को क्विट कर सकें। 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। तालियां बजाएं। दिपेश जी ये जो आपने धनराशि जीती है ये हम अभी डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 12,50,000 रुपए छाप दिए। एक और कंफर्म किया और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से। अब दीपेश जी जाने से पहले इसका उत्तर देना होगा, किसी एक को गैस कर लीजिए। एबीसी धर्म सर है? बी धर्म, बी धर्म पे ताला लगा जाए। मान्यवर अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत था। सही है संघ। आपका शायद ध्यान वहां जा भी रहा जी, था। जी सर, सिक्किम में 32 संघ विधानसभा क्षेत्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ये देश में अपनी तरह का अकेला ऐसा क्षेत्र है। इसमें 2,881 वोट हैं जो बौद्ध संप्रदाय के भिक्षु और नंस हैं। संघ वो शायद आप कह रहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, वो बुद्ध उच्चारण है उनका, लेकिन संघा इज द राइट आंसर। ऑलराइट दीपेश जी एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको।